नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एबीडीसी नॉलेज चैनल में। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर का पार्ट 7, और इसके बाद 8, 9, 10 ऐसे ही आते रहेगा। इसीलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हम लोग मोटिवेट और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाता है। हम लोग का हर दिन वीडियो अपलोड होता है दोस्तों। बिना समय नष्ट किए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर पार्ट 7। रोज आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार वाज रिमेन आज डैश 30 दिसंबर 2018। ये आपका हो जाएगा आंसर दोस्तों, ऑप्शन बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो जाएगा दोस्तों। और देख लेते हैं नेक्स्ट, एडिट द यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च यूजुअल सैनिटरी नेपकिन इनविटेड 30 दिसंबर 2018 दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी भुवनेश्वर उड़ीसा हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इज MIG इज स्कीम ऑफ 12 मंथ टिल। ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 31 मार्च 2020 हो जाएगा दोस्तों। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम MIG मिडिल इनकम ग्रुप दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद ये बैनस्केजेनरेंस वाज साइन SBI लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस ओवर द 3200 ब्रांच ऑफ दी ब्रांक 31 दिसंबर 2018 दोस्तों। ये आपका हो जाएगा दोस्तों अलाहाबाद बैंक, ऑप्शन ए दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इंडिया ने रिलीव द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमिक GDP ग्रोथ एस्टिमेट द डैश परसेंटेज ऑफ द GDP ग्रोथ जो एस्टिमेट विद डैश FY19 इज द ग्रोथ आउटलुक फॉर 2019 दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 7.5 दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देख लेते हैं व्हिच कौन इंडियन क्रिकेटर हुआ जस्टर रिचेल की प्लिंट अवार्ड टू द क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड द वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर ICC 31 दिसंबर 2018 दोस्तों। ये आपका हो जाएगा दोस्तों स्मृति मंधना, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वन द टर्म आज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश 31 दिसंबर 2018। इसका आंसर हो जाएगा शेख हसीना दोस्तों। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश अपॉइंटमेंट न्यू इन्फॉर्मेशन चीफ कमिश्नर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुधीर भार्गवा हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुई स्टेट सेपरेटेड हाईकोर्ट January 1, 2015 25 हाईकोर्ट ऑफ इंडिया। ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांटेड परमिशन पेमेंट ओपनिंग June 2018 दोस्तों। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच कंट्री इंट्रोड्यूस ए GF टैक्स इन अमेजन इंश्योर्ड 1 जनवरी 2019 दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, फ्रांस हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु टू चार्ज ऑफ MD CEO एक्सिस बैंक 1 जनवरी 2019 शिखा शर्मा दोस्तों, रिटायर्ड शिखा शर्मा। ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी दोस्तों, अमिताभ चौधरी हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द कालिया योजना, ये आपका उड़ीसा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ कंप्लेन रजिस्टर्ड इन द पर्सन RBI बैंक ऑफ इंडिया ट्रेंड एंड प्रोग्रेस बैंक ऑफ इंडिया। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25% दोस्तों इसका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश वाज अपॉइंटमेंट द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ लाइन्स इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1 जनवरी 2019 दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हेमंत भार्गवा हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हुआ द सोन ऑफ द ब्राजील 242 प्रेसिडेंट ऑफ 2 जनवरी 2019 दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दोस्तों, जैन बोल्सोनारो हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट डैश आज भी लोकेटेड ऑथोराइज्ड इमिग्रेशन चेक पोस्ट। ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा दोस्तों। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। नेम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट दैट द अनाउंस 18 to 60 कृषि कृषक बंधु स्कीम 31 दिसंबर 2018 दोस्तों। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, वेस्ट बंगाल हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कैबिनेट कमेटी इकोनॉमी अफेयर CCE है इज अ बैंक ऑफ 2019 मर्ज ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर। ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट अप द एक्सपोर्ट कमेटी ऑफ द फार्मर MSME सेक्टर दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा UK सिन्हा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।